वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। शाम के 7 बजे आपकी जीरो लेवल की गणित की क्लास शुरू हो चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 3 दिन सप्ताह में यानी कि मंडे ट्यूसडे फ्राइडे आपकी कक्षा 4 की गणित होती है, बाकी के अगले 3 दिन ट्यूसडे और के बाद में यानी कि जो आपका आता है थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे कक्षा 7 की गणित चल रही है। ये जैसे समाप्त होगी वैसे आपकी कक्षा 5 और कक्षा 8 की गणित होगी। जीरो लेवल की मैथ एक नई उम्मीद के साथ आप लोग देखते हैं हर दिन। तो चलिए देखते हैं, आज हम कुछ दिए गए अंकों से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या बनाना। ये परिषदीय किताबों के आधार पर है जो कि आपके प्राइमरी में लगती है, तो आपके टेट सीटेट परीक्षा के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। बाकी जीरो लेवल मैथ की दृष्टि से सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, मास्टर क्लास, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि कोई संख्या दी गई है, एक एग्जांपल ले लीजिए छोटी छोटी संख्या का। मानते हैं कि 9 दिया गया और 2 दिया गया, 1 दिया गया है। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, 921 पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, अब इसे क्या पढ़ेंगे, 129 पढ़ेंगे। लेकिन अंक तो वही है ना, इसमें 921 था, इसमें भी 921 है, केवल सीरियल बदला है। और देखिएगा, इसको मैंने अगर ऐसे लिख दिया तो 219 पढ़ेंगे। और इसी संख्या को हम एक और कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, 912 भी पढ़ेंगे। अब आपने देखा होगा कि 3 अंक की संख्या थी 921, इसको हमने कितने पार्ट मतलब कितने प्लेस पे इसको बदला, 912, 921, 129 और 219। लेकिन यहां पर आप एक चीज ध्यान दे रहे होंगे कि सबसे बड़ी संख्या ये थी और सबसे छोटी 129। बाकी इन दोनों संख्याओं से कोई विशेष मतलब नहीं, बीच की संख्याएं हो जाती है ना। लेकिन इसमें करना क्या, आपको समझना क्या है, उस बात को समझिएगा। हमें इसमें छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जब संख्या बनाना होता है, देखिए इसको घटते क्रम में लिखा गया है, 9 सबसे बड़ा, 2 उससे छोटा, 1 उससे छोटा, ये बढ़ते क्रम में है, 1 सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। यहां पर ये क्लियर हो जाता है कि अगर हम कोई भी दिए गए अंकों को अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में लिखते हैं तो जो संख्या बनती है वो सबसे बड़ी बनती है, और अगर बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो वो संख्या सबसे छोटी बनती है। बस इसी बेस पर हम ये आपकी किताब का सवाल करेंगे जो कि आपके परिषदीय किताबों के आधार पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपकी जो सरकारी किताब होती बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित, उसी सिस्टम पे ये चल रहा है क्लास, ठीक है ना। तो देखिए आगे देखिएगा, अब सिंपल सी बात है, पिछली क्लास में आप लोगों ने आरोही और अवरोही क्रम देख लिया था, जिसे इंग्लिश में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। दूसरे वर्ड में इसे आपने देखा होगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहा जाता है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए हम ये क्या करेंगे, इन संख्याओं को यहां पे लिखेंगे हल, बड़ी से बड़ी संख्या, लिख लीजिए बड़ी से बड़ी संख्या। हम बोल रहे हैं, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, कुछ दिक्कत है आपके फोन में, तो आप सुन के लिख लीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या मतलब इन संख्याओं का अवरोही क्रम, अवरोही मतलब अव मतलब उल्टा। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, माफ करिएगा सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9। तो सबसे पहले आप 9 लिखेंगे, फिर उसके बाद कामा नहीं लगाना क्योंकि अब संख्या बन रही है, कामा लगा देंगे तो अंक हो जाएगा। जैसे हमने लिखा 2 और 9, ये क्या है, संख्या है, बट अगर हमने बीच में कामा लगा दिया तो ये 2 और 9 एक एक अंक हो गया अलग अलग, अब ये संख्या नहीं रह गई, ठीक ना। अगर हमने लिखा 979, ये एक संख्या है, दिस इज अ नंबर, बट व्हेन आई विल पुट कामा इन नंबर इच कॉल डिजिट, ये 979 क्या हो गया, डिजिट हो गया, समझ गए ना। तो इसी तरह से इसको हम लिखेंगे अवरोही घटते क्रम में, तो 9 सबसे पहले, फिर 5, ओ गड़बड़ हो रहा है, 5 से बड़ा 7 है तो पहले 7 आएगा, 7 के बाद फिर क्या आएगा, 5 आएगा, फिर 3 आएगा और फिर 1 आएगा। इस तरह से आप देखिए 97531 ये आपकी इन दिए गए अंकों से बड़ी संख्या हो जाती है, समझ गए होंगे ना।
अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो निसंकोच कमेंट करें, आपके सारे कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे और आपको गणित आए, यही हमारा उद्देश्य है। अगर आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया तो तुरंत कर दें, और नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। अब बड़ी से बड़ी संख्या के लिए आप लोग लिखेंगे अपनी किताब में कॉपी में नीचे बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, इक्वल, इसी को उल्टा कर दीजिए बस, छोटी से छोटी संख्या हो जाएगा, पहले एक फिर तीन फिर पांच फिर सात फिर नौ, यानी कि 13,579 क्या हो गया, ये आपकी छोटी से छोटी संख्या हो गई, समझ गए ना। ये आपका पहला सवाल हो चुका है। दूसरे सवाल पे आते हैं, ऑप्शन इसमें हम आपको दिखाते हैं, आप लोग पहले बड़ी से बड़ी संख्या का ऑप्शन बताइए क्या होगा, क्या ये बड़ी से बड़ी संख्या है, जल्दी से बताइए आप लोग, ये सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें कौन बड़ी से बड़ी संख्या है। क्वेश्चन नंबर दो का सही जवाब सभी लोग कमेंट करेंगे, आपको सारे ऑप्शन दिख रहे हैं ना, जल्दी करें, हो गए सभी के कमेंट्स। देखिए अगर बड़ी से बड़ी की बात करें तो इसका मतलब इसको घटते क्रम में लिखेंगे, सबसे बड़ा अंक कौन सा है इसमें, जल्दी से काउंट करिए, 9 सबसे बड़ा है, उसके बाद नंबर आता 7 का, और फिर नंबर आता 5 का, और फिर 3, सबसे बाद में 0। ये हो गई आपकी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या। लेकिन अगर छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो गौर करिएगा यहां पे कुछ गड़बड़ होने वाला है, वो क्या कि अगर इसको हम उलट दें तो ये छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, यहां तो हो गई थी आप लोग बोलेंगे, बट यहां क्यों नहीं, क्यों, क्योंकि अगर देखिए तो इसे हम लोग पढ़ेंगे 3579, यहां पर जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इस सवाल में कहा है कि इन सभी अंकों से मिला करके संख्या बनाना है, किसी को बाहर नहीं करना है, किसी का निरादर और अपमान नहीं करना, सभी को साथ लेके चलना है। तो ये जीरो अकेले अगर आगे होता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसको किसी एक संख्या के बीच में घुसा देते हैं बस, मतलब ये अकेले नहीं रहना चाहता, शर्माता है, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, पहले 3 को आगे कर देंगे, 0 को इसके पीछे, अब 5 फिर 7 9, अब हो गया काम बस, अब ये संख्या हो गई आपकी छोटी से छोटी, 30,579 छोटी से छोटी और 97,530 ये बड़ी से बड़ी। लेकिन अगर आप 0 आगे कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फिर 0 काउंट नहीं होगा, सिंपल सी बात है, अगर हमने लिखा कहीं 01 तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, 1 ही पढ़ेंगे, 1 पढ़ेंगे बस, 10 नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर 1 पहले है 0 बाद में है तो इसे आप 10 पढ़ेंगे, समझ गए ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो निसंकोच आप कमेंट करें, हम बिल्कुल आपके सभी क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेंगे, आपके कमेंट्स का जवाब हो सकता है अभी लाइव में ना मिल पा रहा हो, लेकिन बहुत जल्दी ही ये होने वाला, सही, आगे चलें। देखिए ये जो 3-4 सवाल आपके सामने दिए गए हैं इनको अब आप लोग शॉर्ट में कर सकते हैं। अगर बड़ी से बड़ी संख्या की बात बोला जाए तो छोटी से छोटी संख्या की बात बोला जाए तो आप लोग कर ले जाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग इनको हल करके भेजेंगे और हम इसमें एक सवाल आपको फिर बता देते हैं और भी, उसके बाद आप लोग इसको करिएगा। देखिए अगर इन अंकों से बड़ी संख्या की बात होगी तो आप इनको अवरोही क्रम में कर देंगे, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या देखिए क्या हो जाएगी, 9, 7, 3, 2, ये बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो कि ऑलरेडी लिखा गया है उसी क्रम में, बड़ी से बड़ी संख्या है। छोटी से छोटी संख्या की बात होगी तो इस संख्या को हम पलट देंगे, 2, 3, 7, 9, ये छोटी से छोटी हो गई। लेकिन जिसमें 0 लगा होता है उसमें बड़ी से बड़ी संख्या तो बन जाती है बढ़ते क्रम में लिखने पर, यानी कि घटते क्रम में लिखने पर, सॉरी बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए 0 को किसी एक संख्या के बाद रखा जाता है, शुरू शुरू में नहीं रखते उसको अकेले, बस इतना देखना है। आप लोग इन सवालों को हल करके व्हाट्सएप नंबर जो ऊपर आपको दिख रहा है उस पर आप फोटो खींच के भेजेंगे,
अगर आपने क्लास ज्वाइन किया तो आपका सवाल जल्दी से जल्दी चेक किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आपका कौन सा सवाल गलत है और कौन सा सही है। अगर आपने क्लास को नहीं ज्वाइन किया है तब भी आपके सवाल के जवाब मिलेंगे, लेकिन उस स्थिति में आपको काफी समय लग सकता है जवाब मिलने में, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से पीवीआर स्टडी को अनअकैडमी पर फॉलो करें और पीवीआर स्टडी के फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें, जिससे आप इस क्लास को फेसबुक पर भी देख पाएं। अगर आप इस वीडियो को मैथ आसान है चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया पीवीआर स्टडी को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को, इस क्लास को पीवीआर स्टडी पर देख रहे हैं तो कृपया मैथ आसान है चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे, ईमेल मिल जाएगी, पीवीआर स्टडी का मतलब क्या होता है सब कुछ आपको मालूम होगा। डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, क्लास का शेड्यूल क्या है, कौन सी क्लास कब चलती है, सारा टाइमिंग का डिटेल आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आप पीडीएफ फाइल के रूप में और अन्य कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं जैसे इंग्लिश, हिंदी, पर्यावरण वगैरह वगैरह, तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करिएगा, बिल्कुल आपको मिलेंगे। एक मैं नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ और भी आप इन पे भी संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पे आप 33 लगाएंगे तब भी पीवीआर स्टडी का ही नंबर है। इस तरह से आप हमसे जुड़े रहेंगे और आपके लिए मैथ की राह आसान बनाने की हमारी जिम्मेदारी होगी। आप अगर पीवीआर स्टडी का सपोर्ट करते हैं तो मैथ आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। कृपया इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दें अगर नहीं किया तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर आपने एक बार लाइक किया ना बाबू तो दोबारा मत करिएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगा, फिर उसका उल्टा हो जाएगा। एक ही बार लाइक होता है, कुछ लोग बोलते हैं सर जितनी बार मैं आप बोलते हैं मैं उतनी बार लाइक कर देता हूँ, उतनी बार लाइक नहीं होता है, गड़बड़ हो जाता है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा, कर लीजिए, जिससे आपको अगली क्लास मिल सके। क्योंकि बहुत से लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि सर आपकी क्लास नहीं मिल पाती, हमें जानकारी नहीं मिलती क्लास कब स्टार्ट हो गई, क्योंकि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। सब्सक्राइब करके बेल की बटन को ऑन कर ले, ठीक है ना। तो आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने इतना इतना महत्वपूर्ण टाइम दिया, आपको कुछ मिले हमसे जो आप हमारे साथ जुड़ते हैं, ये हमारी भरपूर कोशिश होती है। अगर आपके मन की क्लास नहीं हो रही है तो कृपया कमेंट करें, अगर आपके कमेंट का जवाब देर में मिलता है तो आप इन नंबरों पर संपर्क करें, आपके काम की क्लास आपको अवश्य मिलेगी जो कि आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो। मास्टर क्लास सभी परीक्षाओं के लिए ट्रिकी मैथ की क्लास रात्रि 8 बजे से होती है, उसे अवश्य देखें। कक्षा 10 एनसीईआरटी की गणित सुबह 8 बजे से, ये दो महत्वपूर्ण हाईलाइट क्लासेज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी और भी बहुत से क्लास होती हैं। तो आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, फिर से मिलेंगे अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए बेस्ट रहे, मस्त रहे, देखते रहे और दिखाते रहे आपका अपना पीवीआर स्टडी। इन्हीं बातों के साथ याद रखिएगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।